आईएनडी टुडे के करोड़ों चाहने वालों की जानिब से सभी के चहेते आईएनडी टुडे को सहाफती आसमान के रोशन सूरज का एजाज दिए जाने के बाद समाज के फड़कते हुए ढेर सारे मौजूदात को सभी तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिशों में मजीद वसत आई है। साथ ही जुस्तजू में भी मजीद मजबूती आई है कि फौरन कड़वी सच्चाइयां समाज में पहुंचाने के लिए हम जबरदस्त हरकत में भी आ गए। हालिया दिनों में शहर हैदराबाद में एक मुस्लिम जनाजे को मुस्लिम कब्रिस्तान में ही दफनाने के लिए काफी अड़चनों का सामना करना पड़ा और ये बात समाज में एक फड़कता हुआ मौजू बन गई और आखिरकार शहर की गंगा जमनी तहजीब के रिवायती अंदाज वाले माहौल में हिंदू भाइयों ने अपने शमशान में इस जनाजे को जगह फराहम की। काम तो ये बड़ा अच्छा हुआ लेकिन मिल्लत इस्लामिया का मौजूदा मौकफ इससे ऐसे वाजे हुआ कि 1400 सालों में मिल्लत इस्लामिया ने इतनी तो तरक्की कर ली है कि हमारा जहन मजहबी तालीमात से कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है। लिहाजा आईएनडी टुडे के हरदिल अजीज नुमाइंदे खास सैयद गौस महीउद्दीन ने जिमन में एसोसिएशन ऑफ सज्जादा नशीन व मुतवल्ली खिदमत गुजारान वक्फ के सदर सैयद अकबर निजामुद्दीन से बातचीत की, जिसके मुताबिक उन्होंने भी इस वाकये की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि फी जमाना मिल्लत इस्लामिया को मिल्लत से ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लिहाजा हालिया तदफीन में रुकावट के मामले को वो जरूर आगे बढ़ाएंगे और इसकी सीआईडी जांच की मांग भी करेंगे क्योंकि कब्रिस्तान वक्फ अराजी पर कायम है, लिहाजा इसकी निगरानी करने वाले कुछ पैसे लेकर अपनी जिंदगियां चलाते हैं लेकिन किसी जनाजे को दफनाने ना देना हालिया दिनों में यह बड़ा वाकया रोनुमा हुआ है जिसकी जांच जरूरी है और खातियों को उम्र कैद की सजाएं भी जरूरी हैं, वरना ये लोग समाज में रहेंगे तो ऐसे वाकया दोबारा रोनुमा होते ही रहेंगे। इसी दौरान इत्तला मिली है कि वक्फ बोर्ड ने अनकरीब एक इजलास बुलाया है जिसमें हालिया जनाजे की तदफीन का हादसा बवाल मचा सकता है। हाल ही में जो सन सिटी के अंदर जो मसला चला था कि हिंदू शमशान में मुसलमान को दफन कर दिया गया है, उसके ऊपर आप क्या? वालेकुम सलाम। देखिए ये जो वाकया बजरिए मीडिया हमारे इल्म में वो काबिल मजम्मत है और बहुत अफसोस की बात है कि एक अहले इस्लाम को मुस्लिम शमशान में गाड़ा गया जबकि हैदराबाद में खबर मुस्लिम ग्रेव यार्ड की कोई कमी नहीं है। खुद कई ऐसे ग्रेव यार्ड है जो वक्फ बोर्ड उसका मुतवली है, वक्फ बोर्ड की निगरानी है, जो ये हरकत किए खुद उन्होंने कुछ साजिशी मालूम होते हैं जो इस तरह से मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को बदनाम करना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड को भी ये चाहिए कि जो इसमें खाती है इसमें तहकीकात करे। बल्कि मैं बहसियत वक्फ बोर्ड मेंबर वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा करता हूँ कि इसकी सीआईडी इंक्वायरी करे ताकि हकीकत की सामने आए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा हो। हम भी मेरी जो एसोसिएशन है एसोसिएशन ऑफ सज्जादा नशीन मुतवल्ली खिदमत गुजारान वक्फ इसके तरफ से भी वक्फ बोर्ड में मैं एक रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ कि जो ये वाकया हुआ है इसकी हम स्ट्रांगली कंडम करते हुए तहकीकत करें। और तदफीन अमवाल का जहाँ तक ताल्लुक है वो मंशाए वाकिफ को प्रिवेल किया जाता है, मंशाए वाकिफ को नज़रअंदाज करना शरीयत के सख्त मुखालिफ है और मंशाए वाकिफ के तहत से ही वक्फ है और इतना खालिसतन मजहबी मामला है, ना इसको कोई सियासत से कोई ताल्लुक है ना कोई समाजी कोई ताल्लुक है, बल्कि तदफीन जो ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है वो वक्फ एक्ट का डेफिनेशन में रिलीजियस पायस चैरिटी है और रिलीजियस में वक्फ बाय यूज़र भी आता है जो कब्रिस्तान और मस्जिद है। कब्रिस्तान में भी फैमिली ग्रेवयार्ड एक होता है, पब्लिक ग्रेवयार्ड एक होता है। जहाँ पब्लिक ग्रेवयार्ड है उसमें हर एक को दफन होने का हक है, जो फैमिली ग्रेवयार्ड है वो फैमिली अपने लिए कब्रिस्तान बना के अपनी फैमिली के लिए मुख्तस करती है। और मैं ये समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड शरीयत और कानून से हटके कोई काम नहीं करेगा। शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज, उम्दा क्वालिटी, नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।